हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल ट्रेडिंग रेसिपी शेयर करने वाला हूं, कुछ सेटिंग्स बताने जा रहा हूं। इन सेटिंग्स को यूज़ करते हुए आजकल मैं बिटकॉइन के हर मूव को 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ ट्रैक भी कर पा रहा हूँ, प्रॉफिट भी अर्न कर रहा हूँ। आप भी इन सेटिंग्स को यूज़ करते हुए मार्केट के हर मूव को, बिटकॉइन के हर मूव को खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं और अनलिमिटेड प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। चाहे आप न्यू ट्रेडर हैं, चाहे आप ओल्ड ट्रेडर हैं, चाहे आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है या नहीं आता है, इन सेटिंग्स को यूज़ करते हुए आप मार्केट में खुद से एंट्री भी ले सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बिटकॉइन का लाइव चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फिर ऑल्टकॉइन मार्केट को भी डिस्कस करेंगे कि फिलहाल क्या सीन चल रहा है और क्रिप्टो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, tradingview.com पे जाना है, ठीक है, www.tradingview.com, ठीक है। वहां पे जाने के बाद सेकंड जो स्टेप होगा, सर्च बार में जाके आपने BTC USDT लिखना है, ठीक है। मैं तो मोस्टली बाइनेंस को यूज करता हूँ, तो मैंने बाइनेंस एक्सचेंज को लिस्ट सेलेक्ट किया था, ठीक है। आप जिस एक्सचेंज के ऊपर भी BTC और USDT में ट्रेड करते हैं, ठीक है, या मार्केट को ट्रैक करना चाहते हैं एक्सचेंज के हवाले से भी, आपने उसी एक्सचेंज का चार्ट ले लेना है। मैंने बाइनेंस का सिलेक्ट किया है, ठीक है। BTC और USD का चार्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने टाइम फ्रेम पे, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना जहाँ पे 4H लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो डिफॉल्ट सेटिंग वैसे tradingview.com की होती है 1 आवर की, या फिर आपने प्रीवियसली कोई भी चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम सेट किया होगा तो उसी तरह ही चार्ट ओपन हो जाता है। आपने यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेना है, ठीक है, 4 आवर्स का। यहाँ पे क्लिक करना है, 4H टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, आपने इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च बार में जाके आपने लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैंने ऑलरेडी स्टार्स किए हुए हैं तो मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को अभी सिलेक्ट करने वाला हूँ, आपको फिर सेटिंग्स भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे डबल क्लिक करनी है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद विजिबिलिटी के लिए अपनी पसंद का कोई भी कलर चेंज कर लें। मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ येलो को। इसके बाद आपने इनपुट्स पे जाना है, ठीक है। ये स्टाइल था, इनपुट्स पे जाना है। इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है मूविंग एवरेज की, EMA इंडिकेटर की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, आपने उस पर क्लिक करना है। 9 को ख़त्म करके, 9 होती है इसकी डिफॉल्ट सेटिंग, 14 कर लेना है, ठीक है। 14 करने के बाद आप इसको ओके कर लें। वैसे मैं स्टाइल में जाके इसको थोड़ी सी लाइन को मोटा भी कर लूँगा ताकि आप लोगों को बआसानी नज़र आ सके। ये देखिए, डबल क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको ये खुद से सेटिंग्स आनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ लाइन को और क्लिक ओके, दैट्स इट। ये देखें, ये तो हो गई फर्स्ट सेटिंग। उसके बाद आपने अगेन जाना है, यहाँ पे देखें EMA इंडिकेटर 14 सेटिंग के साथ अप्लाई हो चुका है। दोबारा से इंडिकेटर पर क्लिक करना है। आजकल आप मार्केट को खुद से ट्रैक कर सकते हैं इस वे में, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है क्लिक MACD इंडिकेटर, यहाँ पे लिखना है, MACD इंडिकेटर हो जाएगा आपके सामने, विजिबल हो जाएगा। एक दफ़ा क्लिक करना है तो MACD इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसकी आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो चेंज नहीं करनी है, एज इट इज़ आपने ऐसे ही MACD इंडिकेटर को लगा लेना है, ठीक है। ये देखें, MACD इंडिकेटर भी लग चुका है। और यहाँ पर आपने दो चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये एक किस्म की सपोर्ट लाइन का काम कर रही है, ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है। इसके ऊपर जब तक कैंडल्स हैं, ठीक है, बाद में मैं आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल और उनकी इम्पोर्टेंस भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है आपने खुद से मार्केट को कैसे ट्रैक करना है। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स हैं, इसके ऊपर कैंडल्स हैं, ये सपोर्ट लाइन का काम कर रही हैं, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। बिटकॉइन की प्राइस के ज़्यादातर चांसेस अप ट्रेंड में जाने के चांसेस हैं, नीचे आने के चांसेस नहीं हैं, वो बुलिश है BTC, ठीक है। और उसके बाद जब तक ये हिस्टोग्राम, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ग्रीन ग्रीन हिस्टोग्राम्स होते हैं ना, ये जब तक ऊपर बने हुए हैं तब तक इंडिकेशन है कि बिटकॉइन की प्राइस बुलिश है, ज़्यादातर चांसेस है कि BTC की प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। और जब इस तरह के पहला एक ही हिस्टोग्राम बन जाता है या दो हिस्टोग्राम बन जाते हैं तो कंफर्मेशन हो जाती है, इसको बोलते हैं बुलिश हिस्टोग्राम ग्रीन वाले को, और रेड वाले को बोलते हैं बेरिश, ठीक है, इसको बुलिश, इसको बेरिश, ठीक है। जैसे एक या दो हिस्टोग्राम नीचे बन जाते हैं और उसके बाद कन्फर्मेशन हो जाती है कि मूविंग एवरेज से नीचे इस लाइन को, येलो लाइन से नीचे अगर आ गई है,
उधर से कोई इम्पोर्ट स्कोर लेवल भी टूट चुका है तो अलर्ट हो जाए, 90% चांसेस होते हैं कि तब बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरने वाली है, ठीक है, वक्त से पहले आपको पता चल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगी। तो अभी जो करंट प्राइस है बिटकॉइन की वो है $57,623। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं और फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो गोल दायरे मैंने लगाए हुए हैं इसको आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी मार्केट की अपडेट दी थी तो इसी चार्ट के ऊपर मैंने आपको दी थी। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से प्राइस रिट्रेस बैक हो सकते हैं, अगर ये टूट जाता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो ये $48,000 पे आएगा, और मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया है, ठीक है। और मैंने एक एक पल की आपको इन्फॉर्मेशन दी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अभी क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यहाँ पे साइड वेज में मार्केट रही थी, 48,000 का ब्यूटीफुली उसने रिस्पेक्ट किया और यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया और एग्जैक्टली उस रेसिस्टेंस लेवल पे टकराया जो कि मैंने इसको 3-4 वीक पहले ड्रॉ किया था, ठीक है। मैंने हमेशा, मेरी ये कोशिश होती है कि एक चार्ट को ही लेके एक या दो मंथ उसके ऊपर ऐसे ही जैसे आगे कैंडल्स बढ़ती जा रही हैं आपको एनालिसिस दिखाता रहूं ताकि आपको कुछ सीखने का भी मौका मिले। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्ट किया, ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होती है ये इनकी इंपॉर्टेंस होती है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो सारे ही खींच लेते हैं, जो मोस्ट क्रिटिकल होते हैं वो आपके अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और साथ में जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तब आप डेवलप होंगे, तब आपको पता चलेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंपॉर्टेंट को कंसिडर करें, अन इम्पॉर्टेंट जो है उनको रिमूव कर दें, ठीक है। अभी फिलहाल सीन ये है आल्ट कॉइंस का भी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो फिलहाल डिक्रीज हुई है, 48.8% है, जो कि अच्छी बात है आल्ट कॉइंस के लिए। जब बिटकॉइन की प्राइस $48,000 से नीचे जा रही थी ना, वक्ती तौर पे ये एक बेरिश रैप था, मैंने प्रीमियम चैनल पे भी किया था, अपडेट किया था कि मार्केट से एक्सिट ना करें, ये एक बेरिश रैप है। जब ये इससे $48,000 के राउंड बोर्ड थी तब मैं थोड़ा सा बेरिश मेरे अंदर सेंटिमेंट्स आ रहे थे कि मार्केट अगर नीचे गई और $44,000 से भी नीचे इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ देती है फिर अनफॉर्चुनेटली बुल रन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, तो फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने बाउंस बैक किया है तो इस टाइम पे ये इंडिकेशन मिल रहा है, इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी एक्सटेंड होने जा रही है आल्ट कॉइंस की रैली, ठीक है। इसके लिए भी एक मोस्ट बुलिश जो साइन है ना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो आपको इन दो लेवल्स की इंपॉर्टेंस का पता होगा, $55,000 की और $58,000 की इंपॉर्टेंस का, ठीक है। $58,000 से अबव अगर साइडवेज में चली जाती है बिटकॉइन की प्राइस, आई विश के एक या दो वीक चली जाती है, इतना ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिलेगा आल्टकॉइंस में कि आपका जो पोर्टफोलियो हो सकता है कि विद इन डेज के अंदर अंदर 1x या 2x प्रॉफिट भी दे जाए, आपका डबल हो सकता है पोर्टफोलियो। लेकिन इससे ऊपर जानी चाहिए मार्केट को लंबे अरसे के लिए, कम से कम एक या दो वीक के लिए $58,000 से अबव स्टेबल रहना चाहिए। इस टाइम पे आप खुद से आपको पता चल गया होगा कि ये ब्रेक ओवर भी है, ठीक है, और मूविंग एवरेज से ऊपर भी है, $55,000 से ऊपर भी है, बुलिश साइन है। अगर ये रेसिस्टेंट लेवल टूट जाता है $58,000 का, वेरी इजीली साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंट लेवल $60,000 का है, फिर उसके ऊपर मार्केट जाती है तो शायद आप $72,000 को भी देख सकते हैं। इस टाइम पे ये लग रहा है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी ये देखें, आपको BTC का तो मूव समझ आ चुका होगा, यहाँ से नीचे अगर मार्केट डंप भी होती है $55,000 से ऊपर रहती है फिर भी आल्टकॉइंस जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश है, कोई खतरे की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लें, छोटे छोटे प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था टाइट स्टॉप लॉस भी मैं नहीं कहूँगा, $55,000 से अबव टाइट स्टॉप लॉस भी ना लगाएं, मीडियम कोई स्टॉप लॉस लगाएं, ऐसा ना होकर स्टॉप लॉस हिट होकर ऊपर चला जाए, ठीक है, रीजनेबल परसेंटेज के ऊपर आप लगाएं स्टॉप लॉस और प्रॉफिट अर्न करें। जैसे $55,000 से नीचे आता है या $48,000 को टेस्ट करने के करीब होगा तब आपने स्टॉप लॉसेस को टाइट कर लेना है, ट्रेल कर लेना है, जो प्रॉफिट हो रहा है ऊपर से ऊपर स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट भी सिक्योर करना है। ये तो होगा BTC का, इस टाइम पे क्या सीन चल रहा है।
अभी मैं आपको बता देता हूँ ऑल्ट कॉइन्स में फिलहाल क्या चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स वन बाय वन पंप हो रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है, वैसे तो मैंने साथ साथ में आपको बताया है कि ऑल्ट कॉइन्स में क्या सीन चल रहा है, ऑल्ट कॉइन्स कैसे बिहेव करेंगे, लेकिन इन्हें नट शेल आपको समरी बता देता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस अगर $55,000 से अबव साइडवेज में रहती है तो यही आपको ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो और ज़्यादा बुलिश दिखाई देंगे। जैसे अभी है ना वन बाय वन पंप हो रहे हैं, एक आपको और भी मशवरा दूंगा कि जैसे ही आपका कॉइन 30% 40% पंप होता है ना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हुए, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी बता देता हूँ। अगर आपको 30% प्रॉफिट है 25% या 23% एज पे आप लगा दें, स्टॉप लॉस लगा दें 7% को आप थोड़ा सा कुर्बानी दे दें, अगर मार्केट 40% पे चली जाती है, आपके ऑल्टकॉइन 40% पे चला जाता है, पीछे वाला जो आपने 23% प्रॉफिट पे सिक्योर किया होगा 7% डाउन स्टॉप लॉस लगाया होगा उसको कैंसिल करें, 40% प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको 33% प्रॉफिट सिक्योर करें, 7% फिर ऊपर ले जाएं, ठीक है, आई मीन के स्टॉप लॉस लगा दें, इस तरह ऊपर से ऊपर आप इसको ट्रेल करते जाएं। अगर आपको प्रॉपर वे सीखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे किया जाता है तो आप क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जाएँ और उसके ऊपर जाके आपने क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिखना है, तो आपको एक वीडियो मिलेगी, आप उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं। $55,000 से अबव मार्केट रहती है तो बुलिश वेव है, प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिट सिक्योर करते जाएं, कोई भी टेंशन वाली खतरे वाली बात नहीं, इस टाइम पे मार्केट सेफ जोन में है। अगर ये $55,000 से नीचे जाता है तो हम टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, अगर ये $48,000 को सक्सेसफुली ब्रेक डाउन कर देता है हाई वॉल्यूम के साथ, कोई बेरिश कैंडल बन जाती है, तब हम ऑल्टकॉइन मार्केट से एग्जिट भी कर जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।